है ओल्ड मॉडल पुरानी गाड़ी का, जो ये ब्लो बाई एक्शन हो रहा है, एयर वर्धक है ना, जो हवा निकलता है इंजन से, वहाँ से ऑयल इसकी फेंक रही थी बहुत तरह से। ये एग्जॉस्ट से ऑयल नहीं फेंक रहा इसमें, किसी से एग्जॉस्ट से ऑयल नहीं फेंक रहा है। इसके बाद ही पूरा हेड खोलना पड़ रहा है हमें, खोल के फिर रिंग वगैरह डालते हैं। उल्टे साइड में तो खोल रखा हूँ, आपको दिखाते हैं। उल्टे साइड में सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक निकालना बाकी है, बाकी हेड खोल दिया ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंडिंग करना पड़ रहा है हेड को आपको, ये दोनों को अभी इधर का भी खोलना पड़ेगा पूरा। खोल रहे हैं, हेड खोलने के बाद आपको बताएंगे। हेड खोलते हैं फिर लगाएंगे और सब चीज़ आपको बताएंगे। जैसे जैसे खोलते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। हेड ग्राइंडिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ये हेड को खोल रहे हैं अभी टार्क्यू रिंच के थ्रू। इसका भी पूरा 12 सिलेंडर को खोल चुके हैं हेड को अभी, इधर भी और इधर भी 12 सिलेंडर पूरा खोल चुके हैं। अभी ब्लॉक खोलेंगे लाइनर, इसकी लाइनर निकालने के बाद इसमें रिंग रिंग चेक करेंगे। इससे पहले बॉल का ग्राइंडिंग करेंगे, बॉल की ग्राइंडिंग के बारे में बताते हैं। ये वाल्व का लॉक है, दोनों इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व को 12 हेड को भी ग्राइंड कर देना है, और पूरा हेड को ग्राइंड करके भी बताएंगे आपको। ये इनलेट वाली वाल्व है जिसमें सील रहता है, और एग्जॉस्ट वाला में सील नहीं रहता है, ठीक है। इनलेट वाल्व में सील रहता है नई नई मॉडल वाली गाड़ी में, और कि पुरानी मॉडल का इंजन है उसमें दोनों इसी टाइप की रहता है, एग्जॉस्ट टाइप की, उसमें सील नहीं रहता है। नई वाले जिसमें इंजन है सब में ये सील लगेगा, जिसमें नहीं डाला हुआ है उसमें डालना पड़ेगा। और हमारी और इस सब में है पूरी, किसी में नहीं है, पूरा जला हुआ है। ये कट है ना, ये कट में बैठना चाहिए सील को, इनलेट वाली में, और एग्जॉस्ट वाली में कोई कट नहीं है, सील इसमें नहीं बैठेगा। ये स्लीव है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये स्लीव है। लेफ्ट राइट करते हुए इसको ये स्लीव को बाहर निकालेंगे, जिससे हल्का बाहर निकलता है तो नीचे इसको कपड़ा डालें, ताकि अगर रिंग रिंग वगैरह टूट जाता है ना तो इंजन के अंदर ना घुसे। जैसे रिंग वगैरह टूटा रहता ना तो इंजन के अंदर नहीं घुसे, इसीलिए करते हुए ये निकाल दिया। रिंग को ऐसे दबा को ऊपर दबा कर दो साइड पकड़ कर इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये दो, ये ऑयल रिंग को निकालने से पहले अंदर का स्प्रिंग को नीचे डाल देंगे, इसके बाद ऊपर घिसते हुए बाहर निकाल देंगे, और फिर स्प्रिंग को एक जगह लॉक होता है, लॉक को बाहर करते हुए इस तरह से स्प्रिंग को। ये ऑयल रिंग है, ये वाला दोनों ऑयल रिंग है, कॉम्प्रेसर रिंग और दोनों कॉम्प्रेसर रिंग वहाँ डाल दिया अभी स्लिप के अंदर। चेक करना सर, स्लिप के अंदर में स्लिप के अंदर में गैप दोनों है, ये इतना गैप नहीं होना चाहिए, जो स्लिप के अंदर गैप है ना ये। और इसी प्रकार से ये नंबर वन ऊपर से नंबर वन रिंग, पिस्टन का नंबर वन रिंग है जिसमें एक कट बना हुआ है, हाँ ये गैप है ना रिंग का। और इसी प्रकार ना पूरा स्लीव को निकाल कर चेक करेंगे हम लोग। ये ब्लो बाई एक्शन में था, जो एयर वर्धक के थ्रू ऑयल फेंक रहा था, ये हेड का कर दिया, हेड का तो सील था ही नहीं लगा हुआ इनलेट में, और बाकी इसमें इस प्रकार के पूरी की 12 के 12 सिलेंडर को ना चेक करना है अभी। इधर भी खोल, ये लाइनर निकाल रखे हैं और पिस्टन इधर है, पिस्टन रिंग भी निकाल रखे हैं पूरे का, जिसका जिसका रिंग घिसा हुआ है पूरा नया डालेंगे। डाया 120 mm पिस्टन रिंग।
ठीक है, ये साथ में। सबसे पहले इसका अंदर साइज चेक करना है, इसके अंदर डाल कर पहले इसको बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, गैप कितना है नहीं है उसको चेक कर। रिंग टॉप रिंग है ये, जिसमें ये कट बना हुआ है, हल्का हल्का सा कट दिख रहा होगा, ये कट बना हुआ है इसमें, पहले इसको चेक करेंगे। इसमें कितना गैप है ये देखिए, गैप कितना है, सो बिल्कुल ना मात्र के गैप है ना इसमें, बाकी पुराने वाले में गैप थोड़ा सा ज़्यादा था, इसे भी ज़्यादा था दो गुना इसे। ये रिंग सही है। इसी प्रकार से ये सेकंड रिंग को भी चेक करेंगे, सेकंड रिंग है जो बिल्कुल चारों साइड से बराबर है, कोई कट इसमें नहीं है, ठीक है। ये इसको भी चेक करेंगे, इसमें भी गैप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये रिंग के पास कोई गैप नहीं है ना मात्र की, इसमें चलते करना, ठीक है। अब ये रहा ऑयल रिंग, ये रिंग निकालिए, इसको पहले ये स्प्रिंग को निकाल देना है, ऑयल रिंग को नीचे दबा कर सर निकाल कर फिर इसको डालेंगे, कोई इसमें भी गैप नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा को चेक करते हुए रिंग को डालना है, फिक्स्ड रिंग को, और स्लीव में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करना है इसको, सारे स्लीव को सही चेक करके लगाएंगे रिंग को, पूरे फिक्स्ड में रिंग को इसी तरह से चेक करके लगाएंगे। स्प्रिंग है, इसको पहले फैलाकर इसको फिर सबसे नीचे वाले में इसको क्लोज कर देना है लगाकर, इसके बाद इसको लगाना है ऑयल रिंग को, हल्का सा ये पूछ करके फैला देना है इसको, ये हल्के फैलाने हैं, ज्यादा फैलाने, ज्यादा फैलाने से टूट भी जाता है भैया, आराम से थोड़ा सा ये लग गया, और लगने के बाद इसको मूव करके देखना है कि मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको, ठीक है। इजी मूवमेंट होना चाहिए। रिंग है, ये भी कोमा का है, ऊपर लिखा हुआ भाग है जो ऊपर ही आना चाहिए, लेकिन न कि उल्टा मत डाल देना सब भाई, ये डल गया, ये भी इजी मूवमेंट हो रहा है। पहली है टॉप रिंग जो ये कट बना हुआ है, इसमें ये कट ऊपर ही रहे, इसको भी इसे फैलाकर, ये वाला थोड़ा सा हार्ड बैठेगा भाई, आराम से थोड़ा सा, ये ऐसे डालते हुए थोड़ा सा आराम से इसको धीरे धीरे पुश करना नीचे की तरफ, रिंग वाली गैप में फिर इसको पहुंचा दो आराम से, ठीक है। इसकी पोजीशन टॉप वाले के हल्का तिरछे में, इधर जो ग्रूस बना हुआ है ग्रूस में नहीं आना चाहिए इसकी गैप, ठीक है, और ना ही आगे होना चाहिए गैप, इधर जो ये ऑयल रिंग का पोजीशन है ना, इधर भी नहीं होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, इसको साइड में हल्का करो, ये ग्रूस के हल्का साइड में, ठीक है, लगा दिया। और सेकंड वाली का भी जस्ट अपोजिट ग्रूस के साइड में होना चाहिए, ग्रूस के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये टॉप वाला को ये साइड में डाल, इसके बाद ताकि रिंग को हिले ना, इसीलिए ऑल डालते हैं, फिर इसमें स्लीव डालते हैं, अभी होल्ड कर इसमें कहाँ से, इसमें जो ये डबल कट है ना, यहाँ जहाँ पे हेड का बोल्ट आता नीचे, ये डबल कट वाली, ये हमेशा नीचे रहेगा इधर की तरफ, एस ऊपर इस नॉर्मल रहेगा, ऐसे डबल कट वाली नीचे रहेगा, ठीक है। ये नंबर वन बैठ गया, और ये नंबर टू का भी बैठाना है,
ये नंबर टू का भी रिंग को हल्का दबा के अपर सेल का प्रेस कर देना है। नंबर टू भी बैठ गया। अब रहा ऑल रिंग, ऑल रिंग को भी बैठाते हुए ये चार साइड से देखना है। ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं है, बैठा चुके हैं और फिर धीरे धीरे पुश करना है। यार से हल्का कंप्रेस करके इसको स्लीव के अंदर लगा देना है। नाइस स्लीव डालें, इसको थोड़ा घुमा के, क्योंकि कट को ये स्लीव का जो फ्रिंज है ना वो इसमें फंस जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जाता है आराम से। ये स्लीव दो, एक और दो बैठ गया इधर का। इसी प्रकार से पूरे को बैठाएंगे। ओके, तो पिस्टन में भी थोड़ा दिक्कत था तो पिस्टन भी बाहर निकालना पड़ा गजल पिन से। कनेक्टिव रॉड इसी में रहने दिया हूँ, बस पिस्टन सबका बाहर निकाला हूँ, 6 सिलेंडर का। ठीक है, 6 सिलेंडर का बाहर निकाल पिस्टन, और पिस्टन इधर रखे हैं, मतलब कि स्लीव भी चेंज होगा, पिस्टन भी चेंज होगा, रिंग नया डालेगा इसमें पूरी का। ये खोल के रखे ना, ये स्लीव है जो थोड़ा सा नया अच्छा है पहले से, और ये पिस्टन नया डाला, ये स्लीव पूरा अच्छा इधर वाला, जितने 6 रखा हो ना स्लीव, ये 6, ये अच्छा स्लीव है, और बाकी ये पिस्टन है, पिस्टन भी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ख़राब वाला पिस्टन था ना जो इसमें से गाड़ी से निकला है, ये पिस्टन है ख़राब वाली पिस्टन पूरी जो निकला है, सो जो इसमें है ना स्लीव के अंदर, ये ज़्यादा स्लीव कट गया है इसकी, इसीलिए इसको आउट करना पड़ रहा है। और इसमें कोई कट कटकुट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये अच्छा स्लीव है, इसलिए इसको लगाना पड़ रहा है। अभी लगाने के बाद ना फिर आपको बताएंगे पिस्टन कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। सो पिस्टन के ऊपर में एरो मार्क है और ये लिखा हुआ है मॉडल का, अगर ये नहीं रहेगा तो हमेशा इधर चौड़ा हुआ भाग है, इधर पतला हुआ भाग है, पतला हुआ भाग रहेगा ना जो FIP की तरह ऊपर रहेगा, इस साइड से इस तरीके से ऊपर रहेगा, ये पतला हुआ भाग, मोटा हुआ भाग नीचे और ये पतला हुआ भाग ऊपर, इस टाइप की रहेगा ये। ठीक है, इसको ऐसे डालते हुए इसको सेट कर लेना है, सेट ये ना गजल पिन को आराम से धीरे धीरे ठोकना है, ज़्यादा जोर से भी नहीं ठोकना है, नहीं तो ये बैंड होने की चांस रहता है। पिन दिखना चाहिए, ये गजल पिन को ना धीरे धीरे आराम से इसको ठोकते हुए बिल्कुल अंदर कर देना है। ये गजल पिन बैठ गया इसकी। इसके बाद स्नेक रिंग लगाना है। ओके, ये स्नेक रिंग है ना, स्नेक रिंग को फिर रखते हुए ऐसे से इधर से और नोज पिलर से दबाकर इसको बैठा देना है। ओके, ये बैठा कि नहीं बैठा ना, इसको एक बार रिंग को, स्नेक रिंग है ना, इसको मूव करवा कर देख लेना है, ये मूव कर रहा है कि नहीं, अगर मूव कर रहा है तो ये अच्छा से बैठ गया है। ये दो पिस्टन हमारा बैठ चुका है, ये दोनों एजी मूवमेंट हो रहा है, एजी मूवमेंट अगर नहीं होता है तो इसको फिर दोबारा से हमें डालना पड़ता। अभी इसमें ना ये दो लगा दिए हैं, अभी ये दो है जो नीचे में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इंजन को क्रैंक करके ना इसको बाहर ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर लाएंगे तो अब रिंग इसमें डालेंगे। ठीक है, क्रैंक करो भाई इंजन पर। इसी गाड़ी का ना पूरा पिस्टन नया डाला हूँ, रिंग नया डाला हूँ और स्लीव वगैरह सब चेंज किया हूँ। ठीक है, ये गाड़ी अच्छा, अभी पिस्टन लगा दिया हूँ, अच्छा कैसा है, पिस्टन लगा दिया हूँ, पूरा रिंग डाल के इधर का पिस्टन और पिस्टन स्लीव सब नया डाल रखे हैं, इधर का हो रखा है पूरा, रिंग भी डाल दिया इसमें, और इधर का पिस्टन नया डाल रखा हूँ और स्लीव
पिस्टन रिंग नया डाल रखा हूँ, अभी स्लीव भी डाल रखा हूँ, इसी के हिसाब से डाल के अभी आपको बताते हैं, जैसे जैसे डालेंगे उससे बताते रहेंगे, ठीक है। ये पिस्टन और पिस्टन रिंग रिंग के ऊपर ना हल्का सा ऑयल ऐसे डालते हुए रिंग के ऊपर हल्का ऑयल डालेंगे, डालने के ऊपर फिर स्लीव को लगा देंगे। रिंग को ऐसे करके स्लीव रोको, वहां पर रोकते ये लाइनर को ना स्लीव को ऐसे रखते हुए यहाँ रखना है, बिल्कुल सीधा करके इसको, और पिस्टन रिंग को दबाते हुए ये फर्स्ट रिंग को ना ऊपर वाला टॉप रिंग को डाल चुके हैं, अभी सेकंड रिंग को कंप्रेस किया ऐसे, और फिर इधर से भी सेकंड रिंग भी गया। ये सेकंड रिंग भी गया है, चेक कर लेना है कि गया कि नहीं गया, सो ठीक है। ये सारा चला गया, ये हल्का हल्का ठोकते हुए अंदर चला गया, ये ऐसे हल्का अप करके दिखा, फिर इसको ये बैठा देना है इसको, ठीक है। इसी प्रकार से ना सारे रिंग को और पिस्टन स्लीव को पूरी डाल देंगे इसी तरह से। दो पिस्टन दो स्लीव डाल रखे हैं, ये स्लीव डाल रखे हैं और ये स्लीव डाल रखे हैं, ठीक है। अभी पिस्टन अभी चार पिस्टन बाकी है, अभी ये डालेंगे फिर ये डालेंगे, इसके बाद ये दोनों को इंजन घुमाकर अप करके फिर डालेंगे इसको, स्लीव को डालेंगे, ठीक है। ये सारा स्लीव लग चुका है इधर का, अभी एक स्लीव लगाना बाकी है, ठीक है। उसको ये ऑयल सील को ऑयल से लुब्रिकेट करके दूसरे को रखते हुए ऊपर को ऊपर करते हुए इसका काटते हुए इस पर लगा देंगे, ठीक है। ये हिला हिला के दबा के सील को बैठा देना नीचे वाले, ये दोनों सील दोबारा दोबारा इसी प्रकार से पूरे को बिठाएंगे ऊपर ऊपर, ये दोनों को बिठा चुके हैं हेड को, और इसी प्रकार से ना इधर ये दोनों को भी इसी प्रकार से पूरा बिठा देंगे, फिर ये गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। फिर इसमें हमने ना सारा हीट लगा चुके हैं, ऊपर से हीट कवर साइड का भी लगा दिए हैं, प्लेट प्लेट कवर वगैरह इधर का पूरा सेट लगा चुके हैं, जैसे इधर का ही पूरा कर पूरा इधर का ना हेड लगा दिया हूँ, ये पाइप भी लगा रखा हूँ, ठीक है। अभी इधर का भी लगा चुका हूँ हेड वगैरह, हेड लगाने के बाद अभी ओवरफ्लो पैम्प वगैरह सब लगा दिया हूँ, ये लगा दिया हूँ, ठीक है। इसका लगाना बाकी है, लगाता हूँ, एक कवर लगाना बाकी है, इसको अभी टैपेट एडजस्ट करेंगे, क्योंकि टैपेट सबका पूरी टाइट है, टैपेट ना पूरी सबका टाइट है, टैपेट को एडजस्ट करना है, इसके बाद आगे बताते हैं ना। टैपेट जहाँ पर सॉफ्ट घुमाने के बाद ये ऊपर में आ जाएगा, वॉल्व ना ऊपर में आएगा, ऊपर में आने के बाद फिर इसको टैपेट एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पूरी घुमाओ घुमाओ फिर इसको क्लियर
क्लियरेंस देंगे 0.5 mm। ठीक है, बताते हैं। इस शॉफ्ट तो घुमा रखा है लेकिन इसका प्ले किसी में प्ले नहीं है। ठीक है, रुक जा भाई, इसका पहले प्ले देते हैं, इसके बाद बताता हूँ आपको। अभी ना ये हेड ये भी है ना रोकर आर्म जो बॉल में बिल्कुल ओपन नहीं है, लेकिन बॉल बिल्कुल ओपन हो रखा है। इसको क्या करेंगे, इसको 19 के स्पिनर से इसको पहले लूज करेंगे। लूज करने के बाद कटिंग प्लेयर से इसको पकड़ कर इसको लूज करेंगे। ठीक है, ताकि जहाँ लूज हो जाए उसी तरह से इसको भी करेंगे। ये हेड का ये ना टैपेट को इनलेट का टैपेट ये है, क्या करना है, ये पूरा स्प्रिंग था एक्सपेंड हो गया सॉफ्ट घुमाने के बाद। जिसे सॉफ्ट घुमाते हैं ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया पूरी तरह से, इसका गैप नहीं आ रहा था। अभी क्या है कि हमने ऊपर आने के बाद ऊपर से टैपेट को एडजस्ट करना है, तो इसको हल्का 19 का स्पिनर से इसको लूज कर देना नट को, और ये है गाइड, इसको लूज करना है। तो इसको मैंने लूज किया हूँ, अभी ये इतना आ रहा है। ठीक है, और इतना करने के बाद फिर इसको टाइट कर देना है, उतना पे आ गया। और 19 का स्पिनर लेना है, ठीक है, इसको टाइट करना, टाइट कर दिया, ये गैप होना चाहिए, ये देख रहे हैं ना, ये गैप देख रहे हैं इसको, ये गैप होना चाहिए इसमें इनलेट में। उसी तरह से ये भी एक्सपेंड हो रखा है, पूरा ऊपर आ रखा है, नीचे नहीं दबा हुआ है। इसी तरह से सारे बॉल को ना इंजन को घुमा घुमा के, सारे बॉल को इंजन को घुमा घुमा के ना इसी तरह से पूरा बॉल को करेंगे। ठीक है, ये पूरा हेड लग चुका है, 12 सिलेंडर 12 हेड, पूरा पिस्टन रिंग डाल के पूरा हेड लग चुका है, आगे पीछे दोनों का, घर का भी। अभी ये नट लगाना बाकी है इनलेट मैनिफोल्ड का। ठीक है, ये पूरी इधर लगा रखा हूँ अभी, और ये इधर लगा रखा हूँ। इसको अभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद फिर दिखाएंगे क्या अभी स्थिति इसकी क्या है गाड़ी की। ठीक है, कुछ पाइप अभी खोल रखे हैं, स्टार्ट करने के बाद बताएंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, मान लिया गाड़ी का स्टार्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये का टाइप साइड है जो ऑफ देखा है।